Assalamualaikum. I am Babar Rashid from NINVAST and I am working there as STU, Senior Technical Officer. NINVAST is actually Institute of Vacuum Science and Technology. ये पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इदारा है जो वैक्यूम से रेलिवेंट तमाम प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए बनाया गया है और नो हाउ के लिए और अवेयरनेस के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज को जहाँ पे भी जो कोई प्रॉब्लम हो वो उसको हमारे तवस्सुल से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर वक्फतन वक्फतन हर किस्म के कोर्स, एग्जीबिशंस, सेमिनार्स मुनक़द करवाते हैं और पूरे पाकिस्तान से लोगों को इन्वाइट करते हैं कि वो आकर इसको अटेंड करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास हर किस्म की मशीनरी, वैक्यूम से रेलिवेंट हर किस्म के पंप्स डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट क्वालिटीज़ के मौजूद हैं और लोग आके वहाँ पर उसके डेमो भी देखते हैं और उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ये जो आपको इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, दरअसल ये मुख्तलिफ पम्प्स के मॉडल्स हैं, ताकि ये हमने इनको ट्रांसपेरेंट बनाया है ताकि देखने वाले को पता चल सके। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, आउटर बॉडी जो होती है, आउटर शेल जो होता है वो मेटालिक होता है, तो आपको देखने से अंदाज़ा हो सके कि इनके अंदर क्या चीज़ होती है। आम आदमी को उसका पता इल्म नहीं होता, तो हमने सिर्फ इसके लिए ये मॉडल्स बनाए हैं। ये रूट्स पम्प का मॉडल है, देखने वाले को पता चल सके कि ये फंक्शन किस तरह से करता है। एक्चुअली इसके अंदर ये दो इम्पेलर्स होते हैं एक्चुअली, जो सक्शन एक तरफ से करते हैं और डिस्चार्ज दूसरी तरफ दे देते हैं। इस पंप को एक्चुअली हेल्पिंग पंप का नाम दिया जाता है, ये मदर पंप नहीं है। एक्चुअली बेस पंप जो होता है वो ये रोटरी पंप है। ये देखिए, इसको भी हम ये रनिंग करके हम दिखा सकते हैं आपको कि इसके अंदर एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, उसके अंदर रोटर होता है और स्टेटर रोटर के अंदर वेन्स होती हैं जो वैक्यूम क्रिएट कर जनरेट करती हैं। तो ये दोनों पंप आपस में मिलकर इसके साथ रह करते हैं। ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ से सक्शन कर रहा है और ये डिस्चार्ज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसलिए हमने ये मॉडल बना दिया है। इसके अलावा ये डिफ्यूजन पंप का मॉडल है, ये सिर्फ ऑयल की मदद से वैक्यूम करता है। इसके अंदर हम जब इसको ऑयल को हीटअप करते हैं तो ये एवोपरेशन रेट में आता है और उसके बाद ये क्लाउड फॉर्म के अंदर आके तो तमाम एयर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाकर कनेक्ट कर देता है। We'll be right back.